नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं RPSC की तरफ से। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जो आज की लेटेस्ट न्यूज़, आज की ताज़ा खबर है, खुशखबरी आप सभी के लिए जो RPSC की तरफ से, एंड जो RPSC ने जो कार्मिक विभाग एंड जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को जो लेटर भेज दिए कि कितनी क्या वैकेंसी खाली है, कितने पदों पर स्वीकृति आपके पास आ रखी है, ताकि उन सभी का नोटिफिकेशन निकाला जा सके। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जो आज की न्यूज़ है, मैं आप सभी को डिटेल्स के अंदर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 2019 की भर्तियां जो कैलेंडर में होगी शामिल, जो दिसंबर के अंदर आ रहा है, जो RPSC का न्यू कैलेंडर उसके अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर आपकी RS 2019 जो 2019 के RS भर्ती है 1000 पदों के समथिंग ये वैकेंसी आएगी, एंड जो जूनियर अकाउंटेड है 1500 के समथिंग ये वैकेंसी आने वाली है, एंड साथ ही में जो पशु चिकित्सा अधिकारी सहित विभिन्न पदों पर वैकेंसी आएगी, जो आपकी नगर निगम की एंड जो अदर एग्जाम है उन सभी की न्यू वैकेंसी 2019 के अंदर आएगी। तो दोस्तों, अपन देखते हैं डिटेल्स एंड प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जो आज की न्यूज़ है, एंड दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जो आज की न्यूज़ है, 2019 की भर्तियों पर निगाह है, कैलेंडर में होगी शामिल। दोस्तों, आज की न्यूज़ है, एंड आप सभी को न्यूज़ चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप सभी को भेज दूंगा ये किस न्यूज़पेपर में आई है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जो लोक सेवा आयोग की निगाह है अब 2019 की भर्तियों पर टिकी है, जो 2019 के अंदर न्यू वैकेंसीज आने वाली है उन सभी के ऊपर टिकी है। इस साल की भर्तियाँ कैलेंडर के मुताबिक जारी है, एंड जो कैलेंडर भी बन चुका है उसको सिर्फ पब्लिश करना है वेबसाइट के ऊपर, जैसे इलेक्शन ख़त्म होंगे तो जो वेबसाइट के ऊपर कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। एंड सरकार कार्मिक विभाग से मिलने वाली नई भर्तियों के नियमित कैलेंडर में शामिल होगी। तो जो नए अध्यक्ष भी आ चुके हैं दीपक उप्रेती, और ये चाहते हैं कि जो RPSC है कंटिन्यू अपना काम करता रहे, जैसे UPSC SSC करते हैं उसी के अनुसार जो RPSC भी अपना काम करेगा। तो आप सभी देख सकते हैं कार्मिक विभाग से मिलने वाली नई भर्तियां आयोग के नियमित कैलेंडर में शामिल की जाएगी। तो कार्मिक विभाग की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, एंड जो कार्मिक विभाग एंड जो संबंधित विभाग है, जो कार्मिक विभाग एंड जो अदर डिपार्टमेंट्स है, और सरकार से अभ्यर्थना पदों का वर्गीकरण मिलने के बाद अब आयोग भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है, साथ ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी तय करता है। इस साल मिली RS भर्ती, प्रधानाध्यापक पुलिस भर्ती, 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक SI वैकेंसी समेत जो सभी वैकेंसीज के एग्जाम कंप्लीट करवा लिए गए हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों की परीक्षा तिथि भी तय हो चुकी है। तो दोस्तों, आपके जो भी है ASO हो गया, आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, एंड जो फॉरेस्ट रिसर्च हो गया, जो भी अभी न्यू वैकेंसी निकली थी आप सभी, उन सभी की एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है, उनका सिर्फ कैलेंडर जारी होना बाकी है। एंड साथ ही में आप देख सकते हैं ये परीक्षा अप्रैल 2019 तक चलेगी, एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं कि समय रहते मिले अभ्यर्थना। आयोग की नज़र अब 2019 में मिलने वाली नई अभ्यर्थना भर्ती पर टिकी है। अध्यक्ष दीपक उप्रेती कार्मिक विभाग सहित अन्य महकमों को पत्र भेज चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं जो दीपक उप्रेती है RPSC के अध्यक्ष है, इन्होंने जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को लेटर भेज दिए हैं कि आपकी कितनी क्या सीट्स खाली है, कितने पदों पर न्यू वैकेंसी निकालनी है। तो कार्मिक विभाग एंड जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को पत्र भी भेजे जा चुके हैं, ताकि समय रहते हुए आयोग की भर्तियां अभ्यर्थना मिल सके। जैसे जैसे आयोग की अभ्यर्थना मिलेगी उन्हें नियमित कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। अगले वर्ष जो अप्रैल से दिसंबर तक भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को ये गुड न्यूज़ देनी थी, आप सभी देख सकते हैं, एंड जो दोस्तों वैकेंसी आने वाली है RPSC की तरफ से, तो आप देख सकते हैं। जो दीपक उप्रेती चाहते हैं कि UPSC एंड SSC की तरह ही RPSC अपना जो रेगुलर काम करता रहे, वैकेंसी निकालता रहे, इसलिए उन्होंने कार्मिक विभाग को भी पत्र लिख दिया है। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी देनी थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे यूट्यूब चैनल आपके फेवरेट टेक्नो राजस्थान चैनल ने कंप्लीट कर लिया अपने 40,000 सब्सक्राइबर, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर बीइंग विद टेक्नो राजस्थान, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।